झूठ भी बोलना पड़ा यार इस फिल्म में सारे एक्टर को। ये मंजुली का ये है जी को बोला है कि ये माधुरी जी है, कुछ लोगों ने बोला ये तबू जी हैं, वो भी आ रही है, मुझे लगता है साथ में आ रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज फ्रेंड। मेरे सारे दोस्त हैं वहाँ पर, उसके अंदर अर्जुन मेरा दोस्त है, अजय दोस्त है, अक्षय जी दोस्त है, रोहित दोस्त है, मैं क्या मतलब दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते। बजरंग बली का नाम लेकर तीसरी बार भी घुस जाते हैं। आई एम कमिंग फॉर यू। रोल बहुत बड़ा नहीं था बट बिकॉज ऑफ दी खान साहब प्रेजेंस वो रोल इस लेवल का हो गया। तो इट वॉज सो डिफिकल्ट कि कौन आता है जिससे नाना जी और अनिल जी का बॉस जिससे ये दोनों डरते हैं। मी टू के टाइम पे जो उनका टफ पीरियड था आप उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे। मैं देखो क्या है पता, मेरी जिनसे दोस्तियाँ होती है ना वो दोस्तियाँ हैं। एक दिन डेविड मेरे कमरे में आए तो ही वॉज स्केर्ड बिकॉज आई वॉज क्राइंग। हमारी बहुत सारी फिल्में उन्होंने रीमेक्स की है, उनकी काफ़ी सारी फिल्में हमने रीमेक की है। दीवाना मस्ताना चल गई, राजा बवारा वेरी गुड और बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन अब जैसा होता है एक सेलिब्रेशन और एक मातम दोनों एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम है। बिकॉज क्या है कि अब ये अफेयर बहुत महंगा हो गया है। नो एंट्री जो है वो वी है मतलब प्लान कि हम। हेलो सर, फर्स्टली वेलकम। सो आज हम एक ऐसे स्पेशल गेस्ट के साथ हैं जो बॉक्स ऑफिस पे धमाका तो क्रिएट कर चुके हैं, समवन हु इज़ रूलिंग बॉक्स ऑफिस राइट नाउ, वेरी क्रिएटिव, वेरी टैलेंटेड अनीस वाज़मी। हाय सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो कैसे हो, हाउ इज़ द फीलिंग? यार हमेशा जब आप एक मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है तो अच्छा ही फील होता है। एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी, नॉट ओनली मी, द माय एंटायर टीम एंड माय ऑल एक्टर्स टेक्नीशियंस एंड एवरीवन इज़ थ्रिल्ड। सो लास्ट नाइट हम एक छोटा सा ऐसे खाली गेट टुगेदर किया था, नॉट अ सक्सेस पार्टी, जस्ट टू अप्रिशिएट दोज पीपल हु वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म। आई डोंट रिमेंबर मतलब कितने कितने घंटे वो लोग लास्ट जो है माई DOP मिस्टर मनु आनंद, ही वॉज अवेक आई थिंक, मतलब मैं बता ही नहीं सकता, ही वॉज एक्चुअली नॉट गोइंग होम एंड ही वॉज स्टेइंग इन रेड चिली। सो वहाँ स्पेशल इफेक्ट का काम चल रहा है और वो इनका पूरा कलर करेक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ मेरी सारे असिस्टेंट्स, मेरी पूरी टीम, या तो हम वहाँ थे या तो हम मिक्सिंग में थे। तो इस तरह चल रहा था लास्ट, मतलब ये जो मरियानो में हमने ये किया है हमारा मिक्सिंग, और जस्टिन है मेन रिकॉर्डिस्ट, उन्होंने मुझे बुलाया कि अनिल भाई ये देखिए अब सॉफ्टवेयर 145 आवर से बंद नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको आधा घंटा बंद करता हूँ ना तो पूरी मशीन उड़ जाएगी। तो जस्ट इमेजिन इस तरह का इन लोगों ने काम किया है। तो मैंने सोचा हम लोगों ने सो नाइस ऑफ आवर प्रोड्यूसर मिस्टर भूषण कुमार एंड एवरीवन, उन्होंने सोचा कि यार पार्टी बाद में करेंगे, देखते हैं इनके लिए। तो कल सारे लोग हम लोग ऐसे आपस में बैठे थे, सिर्फ हमारे टेक्नीशियंस और हम लोग एंड ऑल द एक्टर्स वर देयर, कार्तिक, विद्या जी, माधुरी जी, सब लोग सिर्फ उनसे मिलने आए थे, उनको थैंक यू कहने आए थे। वो सो नाइस जेस्चर। मुझे इतना मालूम है कि सबकी स्माइल से और भूषण जी और एवरीवन जो हैप्पी है, तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ बहुत बड़े नंबर आए। बट यस, मेरे को थोड़ी सी नॉलेज ये नंबर्स की कम है और मैं ज़रा अपनी, बट मैं सुन रहा हूँ कि इट्स मतलब बहुत लोगों का प्यार मिला है और इस बार बोले कि भाई बहुत रिकॉर्ड्स टूटे हैं ये ब्ला ब्ला, तो इट्स नाइस एंड ये। बट मैं कभी भी जो है बहुत ज़्यादा नंबर्स जो है ना, दैट आई एम वेरी वीक फ्रॉम द वेरी बिगनिंग फ्रॉम द स्कूल डेज एक्चुअली। बट सर जब 2 आई थी, आई रिमेंबर 2 गई थी, वो भी एक क्रॉस कर चुकी थी एक मार्क, एंड कोविड के बाद दैट वाज द फर्स्ट फिल्म जो इतनी चली और पब्लिक को वापस थिएटर्स पे आने को मजबूर कर दी थी फिल्म ने। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक प्रेशर था कि यार? नहीं, बहुत प्रेशर था यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि क्या राइट लेफ्ट सेंटर कितनी फिल्में वो नहीं चल रही थी एंड एक विश्वास ऐसा लोगों में बनता जा रहा था कि भाई अब पेंडेमिक है ये और अब लोगों को आदत हो गई है OTT की एंड अब तो ये लोग थिएटर में फिल्म नहीं देखेंगे। करेक्ट। तो एक बहुत परेशानी तो थी, इतनी मेहनत की थी यार 2 साल उस फिल्म पर और कैसे कैसे फिल्म बनाई थी। तो हम तो यार अपना सब कुछ लगा अगर एक पिक्चर बनाते हैं तो नेचुरली यार घबराहट रहती है, और ऐसा कॉन्फिडेंट थे हम, ऐसा कुछ भी नहीं था, इतना ज़रूर विश्वास था कि नहीं कि अच्छी फिल्म बनाएंगे यार, लेट्स सी क्या होता है। एंड फिर लोगों का बड़ा प्यार मिला और उसकी वजह से एक बात ज़रूर है कि फिल्म लाइन में एक उम्मीद जागी थी कि ऐसा नहीं कि फिल्में चल नहीं रही है यार, जो फिल्म अच्छी लगेगी पब्लिक को उसको बहुत प्यार देगी, बहुत आएगी फिल्म देखने के लिए, भर भर के आएगी, एंड उससे एक उम्मीद जागी थी एंड द सेम फीलिंग वॉज देयर, एवरीवन वॉज सो हैप्पी। इसलिए उस ज़माने में पैंडेमिक में चलना वो बहुत बड़ी बात थी। सर वेलकम की अगर बात करें तो मतलब
आज अगर टीवी पे आए तो कोई भी हो, खड़े होके जो भी सीन हो, एक 10 मिनट तो स्क्रीन के सामने करके उसको एंजॉय करता है। तो सर उसमें नाना पाटेकर और ये पूरी मतलब कैसे प्लान किया कि इन्हें ये कास्ट को पर्टिकुलर चूज करना है और इनको यही डायलॉग्स रोल देने हैं। क्या होता है कि बहुत फिल्में जो होती हैं ना, उसको आपको समझने के लिए और देखने के लिए पूरी फिल्म का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको कहते हैं कि आप स्टोरी समझ रहे हैं कि अच्छा ये स्टोरी है। कुछ एक फिल्में हैं कि आपको स्टोरी नहीं समझ रही, जहाँ से भी चल रहा है यू स्टार्ट इन्जॉइंग, अरे ये क्या हो रहा है, अनिल जी के साथ ये हो रहा है, अच्छा लोग बेवकूफ़ बना रहे, अच्छा नाना जी की शूटिंग चल रही, अच्छा ये हो रहा है, अरे फिर उसका साहब आ गए। एवरी सीन एंड एवरी एपिसोड इज अ मतलब पूरा एक जश्न है। तो वो बहुत कम फिल्में होती है, तो उसके अंदर जो है ना यार बहुत अच्छे सब ने काम किया था, एंड नाना जी, अनिल जी, फिरोज खान साहब, अक्षय, कतरीना, मलिका शेरावत का छोटा बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट वर्क शी डिड, परेश रावल भाई एंड मुश्ताक खान और जो सारे इन्वॉल्व थे, बहुत अच्छा काम किया था। एंड इट इज़ अ स्पेशल फिल्म, लोगों का बहुत मज़ा आया था, शूट करने में हमने बहुत इन्जॉय किया था। आप अभी यकीन जाने कि जितना लोग जो है फिल्म देखकर करते हैं ना, एग्जैक्टली उतना ही हमने इन्जॉय किया था। हम लोग हंसते थे इतना, मोनिटर देख कर वो सब चलता था, पूछे मत। बट ये सारे कास्ट के साथ बैठकर कभी ये हुए कि यार कुछ और ऐसा क्रिएट करें फिर से हम कुछ नया, होता है कि वो तो हर इंसान की कोशिश होती है कि कोई अच्छा काम हो उसको अपन रिपीट करें, बट वो जो है ना एक प्लान किया जा सकता है चीज़ें, बट वो होगी नहीं होगी उस तरह, वो मतलब वक्त बताता है लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आप तो बेस्ट ही देने की कोशिश बट सर मुझे याद आपने कहीं बोला था कि नाना पाटेकर तो रेडी नहीं थे आपका ये सीन सुनने के बाद। नहीं, वो तो रेडी नहीं होते थे। उनको लगा यार मेरे को क्या मतलब है क्या, बट ठीक है, उनको मैंने पकड़ के बिठाया, मैंने बोला नहीं सर आप सुनिए, 3 घंटा उनको मैंने बोर किया और वो बहुत खुश यार, इज़ अ वेरी इजी पर्सन। मतलब लोग जो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है उनके साथ काम करना, बहुत शॉर्ट टेम्पर है, मुझे कभी नहीं लगा मैंने उनके साथ 3 फिल्में बनाई। अगर उन्हें ये एहसास है कि नहीं यार फिल्म अच्छी बन रही है, मेरा रोल अच्छा है, ये जो सामने इंसान बैठा हुआ है जो डायरेक्टर है ये शायद इस फिल्म को मुझसे 5% 2% ज़्यादा जानता है, देन तो वो इतना मोहब्बत करेंगे, इतना प्यार करेंगे, इज़ अ ट्रू एक्टर यार। तो मुझे तो, एंड वो सुनने के बाद उन्हें गले बले लगे कि हाँ उसके, मुझे पूरी फिल्म में अगर मैं याद करने की कोशिश करूँ तो उनकी तरफ से मुझे नाखून की जितनी भी कोई कंप्लेन कोई तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, जो चीज़ बोले ओके अनिस, ओके अनिस, ओके अनिस, भरोसा है। कभी मैंने बोला वन मोर, उन्होंने जिंदगी में नहीं पूछा कि वाई, ओके, क्योंकि वो एक विश्वास होता है, वो प्यार होता है कि नहीं यार ये आदमी काम जानता है, इस फिल्म को, इस स्क्रिप्ट को लिखा है इसने, ये उन कैरेक्टर को मुझसे ज़्यादा चाहत, एंड इस तरह अगर आप कर रहे हैं काम। अभी जैसे मैं आपको बताया विद्या जी और हमारी माधुरी जी, इनफैक्ट उसके पहले हमारी अपने तब्बू जी, इन्होंने पूरी जिंदगी पूरी पिक्चरों में नॉट इवन अ सिंगल शॉट उन्होंने आके मॉनिटर में देखा हो कि भाई मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या है, ऑल आपको ठीक लग रहा है, ओके, तो ये कितनी बड़ी बात है। वो ये भी नहीं देखना चाह रही मेरे बाल ठीक है, मैं ठीक दिख रही हूँ, मैं ये हो रही हूँ, वो कुछ नहीं, आपको ठीक लग रहा है, ओके। तो वो जब होता है तो यार वो कमाल ही है मतलब, और वो भी रॉन्ग नहीं है कि अगर आप बाकी देख रहे हो, उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है एक ब्लाइंड फेथ करते हैं कि नहीं यार जिस इंसान के साथ हम काम, या शायद वो काम नहीं करेंगे, अगर उन्हें शक होगा ना वाविट करने या नहीं करना, लेकिन अगर हाँ बोला उन्होंने देन दे विल गिव देयर सोल एंड एवरीथिंग, हाँ चीज़ करनी है। सर ये क्वालिटी है आपकी, मना लेते हैं आप, और कहीं ना कहीं सर ट्रस्ट भी है, फिरोज खान सर को ले आए उस दौर में। वो क्या होता है पता कि फिल्म के लिए जो ज़रूरी है ना उसके लिए एज ए फिल्म मेकर आपको सारी मेहनतें करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपकी फिल्म जो है थिएटर में लगनी है और पब्लिक देखेगी, पब्लिक को मज़ा आना चाहिए। आज अगर फिरोज खान साहब नहीं होते इस रोल में तो इट वॉज सो डिफ़िकल्ट कि कौन आता, जिससे नाना जी और अनिल जी का बॉस, जिससे ये दोनों डरते हैं, तो किसको नहीं कहता मैं, तो फिरोज खान साहब में वो बात थी कि नहीं वो आएंगे तो लगेगा कि भाई, एंड वो रोल बहुत बड़ा नहीं था बट बिकॉज ऑफ द खान साहब प्रेजेंस वो रोल इस लेवल का हो गया। इजीली मान गए थे? नहीं नहीं, बहुत टाइम लगा था, करना ही नहीं चाह रहे थे, बहुत मेहनत की मैंने,
बट मुझे लगता है कि नहीं नहीं मैं पीछे ही पड़ गया था कि नहीं सर मैं कितना गया हूँ उनके पास, कितना बैठा हूँ, क्या नहीं किया है मैंने, लेकिन मुझे मैंने डिसाइड अपने दिल में किया था कि नहीं ये रोल मुझे इनसे करवाना है। सर और ये वो लोग यार जिन तक जिद्दबाजी कर ही नहीं सकते, आपको किस तरह मनाना है इन्हें। अब वो मनाने की जो आपको सूरत नज़र आए आप उनको जिस तरह मनाएं, बहुत मिन्नतें, बहुत प्यार मोहब्बत, ये वो नहीं सर कर ऐसे करके, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी थे। बट सर आपका आपकी एक फिल्म थी थैंक यू जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी जी, उसमें इरफान खान भी जी और इरफान भाई, वो फिल्म मेरे लिए बहुत बड़ी यादगार है इसीलिए कि मुझे इरफान खान भाई जो हमारे बहुत बड़े एक्टर थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो वे हैप्पी यार। बट वो एक लॉस फील होता है ना सर, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। आप यकीन जानिए जब मुझे ये बैड न्यूज़ मिली थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार मेरा कोई अपना जो है वैसा कुछ फील हुआ था मुझे, आई वॉज वेरी हर्ट वेरी हर्ट। सर राज कपूर साहब के अंडर में मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप थे 7th AD थे उनके, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबसे बेस्ट पोजीशन पे थे क्लैप के। एक डायरेक्टर जब एक्टर को कोई सलाह देता है तो एक क्लैप वाला बराबर सुनता है। नहीं क्या है क्लैप के अंदर जिम्मेदारी कम होती है, बाकी लोग जो है ना थोड़ा सा कंटेंट लिखने में ये काम है। मुझे लगता है कि क्लैप देने का काम भी छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो क्लैप देगी फिर आप देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, प्रॉपर नोटिस कर पाते थे, तो वो आप सब कर सकते हैं। बस ठीक है यार वहीं पे थोड़ा समझने का मौका मिला एंड राज साहब के साथ यार काम करने का मौका मिला, ये सपना था एंड वी फील जस्ट बी वर वेरी वेरी लकी फॉर्चुनेट। राइट, बट राज कपूर कैसे थे एज अ पर्सन? थोड़े बहुत कमाल, बहुत कमाल, उनके बारे में जो भी बोलूँ बहुत कम है, पूरी दुनिया ही जानती है। ही वॉज अ जीनियस। राइट, सो फिल्म मेकिंग का कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से था कि वो नेचुरली बहुत फर्क तो पड़ा ही है ना, और उनके उनके साथ काम करने के पता लगता है ना कि अरे ऐसे बनती है फिल्म, ऐसा करते हैं। तो यार जो थोड़ा बहुत समझ में आया है, जो थोड़ा बहुत अभी सीख पाया हूँ और जो थोड़ा बहुत नाम बना है उसमें यस उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है। बट कभी डांट पड़ी? डांट तो खैर पड़ती रहती थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी सारी डांटें जो है हमारे आशीर्वाद थी, हमारे लिए दुआएँ थी। गोविंदा एंड डेविड धवन, गोविंदा एंड डेविड धवन की शायद 8-10 में लिखी है। राइट, सारी सुपरहिट, ऑल सुपरहिट। मन नहीं करता था ये फिल्म तो मैं मुझे बनानी है, ऐसा आता था? नहीं बॉस, मैं बहुत काम के मामले में ईमानदार रहा हूँ और मैंने कभी भी किसी के दूसरी चीज़ पर, मुझे कुछ ऐसी फिल्में भी आई जिसके अंदर डायरेक्टर्स को समझो अगर मैंने फिल्म लिखी है तो उनको किसी वजह से प्रोड्यूसर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं और वो अरे हुए हैं, तो मुझे सारे प्रोड्यूसर मुझे जानते थे, गणेश डायरेक्टर बनना चाहता है, ये बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया है, जिस तरह सीन सुनाता है, एंड दे वो श्योर कि कर सकते हैं। तो अधूरी अधूरी फिल्में होती थी कि सर ये आप बना लो, तो मैंने कहा कि जहाँ मैं लिख रहा हूँ वहाँ मैं सिर्फ डायरेक्टर रहूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा। तो मैंने उस ज़माने में जब मैं काम की बहुत तलाश में था एंड आई वाज डेस्परेट कि यार मुझे अब कुछ करना है, तभी भी मैंने कभी किसी का मौका नहीं छीना, इसलिए कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि नहीं यार मुझे, मैंने अपने लिए डोंट्स एंड डूज बहुत बनाए हुए थे, मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, चाहे उसमें कितना भी फ़ायदा हो। आज भी मुझे कितने भी फ़ायदे हो मेरे जहन में, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूँ जिसमें दुनिया को छोड़ दीजिए मैं अपनी नज़र में गिरूँ, मुझे अपनी नज़र में बहुत ऊँचा रहना है कि मैंने कभी कुछ, तो वो कुछ होती ही चीज़ें। बट आपके साथ कभी हुआ ये चीज़ किसी ने किया कि आपकी काम छीनने की कोशिश? नहीं यार ऐसा कभी हुआ नहीं है। एंड मैं आपको बताऊं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, जिन प्रोड्यूसर के साथ, इन्होंने हमेशा मुझे रिपीट किया है, सेकंड फिल्म, थर्ड फिल्म। और जब आप रिपीट किए जाते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं किए जाते हैं कि यू आर अ गुड डायरेक्टर एंड आप हिट फिल्म बनाते हैं, इसलिए भी किया जाता है कि नहीं इज़ अ रिजनेबली नाइस कैरेक्टर, नाइस इंसान, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो है ही नहीं, मतलब मुझे आप अभी इतना सब होने का, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि यार आप किसी को कुछ बोलते ही नहीं हो, मुझे आप कहीं पे भी ठहरा दीजिए, कुछ भी खिला दीजिए, मैं ना कभी खाने की कंप्लेन करूँगा, ना मैं कहीं रहने की कंप्लेन करूँगा, मुझे किसी गाड़ी में बैठा दीजिए, मेरे को मेरा अलावा फिल्म की शूटिंग के सेट पे मुझे ये चाहिए ये चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो मेरी स्क्रीन पर नहीं दिखनी है, लेकिन हाँ जो फिल्म के अंदर है वो स्क्रीन पर दिखनी है। तो मैं एक्चुअली बहुत ईजी इंसान हूँ, मेरे साथ बैठना उठना चलना घूमना काम करना बहुत ईजी है। सर 90s के हम भी बच्चे हैं और राजा बाबू जैसे जिस फिल्म के, मतलब
आप लिखते थे हीरो ही नहीं, उसके उसके दोस्त भी उतने बड़े स्टार होते थे उसके कहते जितने आजू बाजू के कारण हर मतलब एक आइकॉनिक हो जाता था, तो वो ऐसा उठाते थे आप दिमाग के आसपास में लोग ऐसे मिलते थे या लिखते लिखते कि नहीं यार इसको भी उतनी ही तवज्जो देनी है? नहीं बिल्कुल देखो यार मुझे लगता है कि जो प्राइमरी कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ गुड एक्टर तो आपको उसके साथ इंसाफ करना चाहिए। तो मैंने तो जितनी फिल्में लिखी हैं जितनी बनाई हैं मेरी कोशिश ये होती है कि जितने लोग हैं उनके लिए यार क्या दी बेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए कि मैं उनके लिए वो दी बेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो फिल्म के लिए दी बेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कई बार तब मतलब पिछड़ों के अंदर जो मेन कैरेक्टर थे उनको मैंने कहा सर एक काम करिए आप ये मत बोलिए, ये जो पिछड़ा आप ये डायलॉग बोलिए, तो वो होता है। मुझे लगता है कि यार दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज जैसे हमारी ये फिल्म बहुत लोगों ने पसंद किए, तो इसमें बेशक कार्तिक ने बहुत अच्छा काम किया है, माधुरी जी ने, विद्या जी ने, ये सारे लोग, लेकिन यू कांट फॉरगेट संजय मिश्रा जी, राजपाल यादव, अश्विनी एंड विजयराज, दे हैव परफॉर्म वेरी वेल, वेरी ब्यूटीफुली। अरुण कुशवाहा, अरुण कुशवाहा, अरुण कुशवाहा कितना देखो कितना ये सब ने अच्छा काम किया है, और ये आते हैं तो क्या है कि एक मोनोटोनी भी टूटती है कि सिर्फ एक ही को ये अच्छा ये भी कर रहा है, आई थिंक दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। प्रॉपर सेइंग दे सर, वो जो दौर था 90s का डेविड धवन एंड गोविंदा का सर, वो कितने बड़े स्टार थे, मतलब आज की ऑडियंस अगर जैसे आज तो गोविंदा जी की फिल्में कमी आती हैं ना के बराबर हो गई हैं, बट उस समय में आप उनके साथ कमी कितने बड़े स्टार हो अगर, यार, अगर मतलब आपको बताऊँ कि ये जो है ना हमारे सामने ही सारे स्टार बने कि मैंने पहले फिल्म लिखी थी गोविंदा की आंखें, अरे नहीं स्वर्ग, सेकंड मैंने लिखी थी शोला और शबनम, तीसरी फिल्म मैंने लिखी थी उसकी राजा बाबू, चौथी फिल्म लिखी थी मैंने आंखें, तो ऐसे लाइन से एंड हर फिल्म के साथ वी हैव सीन कि अरे बाप रे धीरे 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 ग्रो हो रहा है। एक वक्त वो आया था कि इतने बड़े एक्टर से और डायरेक्टर की कॉम्बिनेशन कि ऐसा लगता था कि अगर डेविड डायरेक्टर है और हीरो गोविंदा है तो सब ये मान के बैठते थे ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट होगी, बहुत चलेगी, इससे बड़ा क्या होता है सर। डायलॉग कैसे, मतलब वो गोविंदा के लिए डायलॉग जो लिखना, हाँ। वो सेट पे मतलब इस तरीके से किस तरह से मैनेज गुड एक्टर यार इज अ वेरी बहुत अच्छे एक्टर वो, एंड हम लोग जो है लिखते थे एंड वो आदमी बात को समझता था, सीन को समझता था, कॉमेडी में ही वॉज वेरी गुड, तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होती थी। ये सारी फिल्में जो हैं ऐसा भी नहीं है कि हमने 10-15-20 ड्राफ्ट लिखे हैं जैसे आज हम लिखते हैं, क्योंकि वो इतने काम कर रहे होते थे कि हमारी कंप्लीट स्क्रिप्ट पूरी जो है वो कोई नहीं होती थी। अच्छा वो एक जहन में कुछ सोचा हुआ है, लोगों का विश्वास है हम पर, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, एक्टर हो, नहीं अनीस कर लेगा, खो जाएगा और बैठ के लिख रहे हैं, एक बार ये सीन लिख रहे हैं इस पिक्चर का, तो वहाँ पर कल शूटिंग है चार फिल्मों की, तो चार अलग फिल्में हैं और चार अलग फिल्मों के चार सीन भिजवाने हैं आपको, तो आई यूज़ टू राइट लाइक दैट, एंड जो पहली बार लिख दिया हाँ ये लो भाई ये करके आ जाओ, तो ये भी नहीं कि कोई वो बहुत साइंस लगा हुआ है जिसमें ये है, एंड एक मुझे लगता है फ्लो होता है, एंड अभी भी मुझे लगता है आज भी और इसके बाद भी मैंने जो फिल्में बनाई वो बहुत सोचा समझा बहुत अच्छा है, बहुत प्लानिंग होनी चाहिए, करते भी हम, लेकिन समटाइम जो है ना वो 11th आवर में जो आता है ऐसा कर मुझे बहुत मतलब इम्प्रोवाइज करने में मज़ा आता है, आई इन्जॉय लॉट, एंड मैंने जब जब किया है एंड देखो आदमी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है, तो जब जब मैंने किया है चाहे आप कहिए कि वो जो वेलकम में घोड़े वाला सीन था वो मतलब ऐसी रात को लिखा है, क्लाइमैक्स नो एंट्री का कभी प्लान नहीं किया था कि कैसे करना है, वो रात को लिखा है, तो कई सारे चीज़ें ऐसी हैं जो 11th आर पे लिखी है एंड बहुत वर्क किया है, तो मुझे लगता है कि एक जो स्पॉन्टेनिटी होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटिविटी। सर पीछे जो मजनू भाई की पेंटिंग है आइकॉनिक जी, वो उसमें ऊपर वाले घोड़े तो समझ में आ रहा है कि क्या है वो आज तक नहीं हम आईडी में, इतना प्यारा घोड़ा नीचे वाला आपने बनाया, ये आर्टिस्ट भी है? अरे यार ऐसा कुछ मेरी जिंदगी की पहली पेंटिंग, मैंने तो कभी पेंटिंग की नहीं, क्या है कि मैं कुछ दिन एमएफ हुसैन साहब के साथ था, वो फिल्म जो है गजगामनी में मैं उनके साथ था, तो वो तो काफ़ी बनाते थे घोड़ा, उनका फेवरेट था, तो
मुझे लगा था कि मैं काफ़ी मरतबा देखा है, मैं कर लूँगा, तो मैंने ऐसे बना दिया यार। ऐसा कुछ कभी मैंने ज़िंदगी में कभी कोई पेंटिंग नहीं बनाई, मेरी आखिरी और आखिरी तो बनो मुश्किल है, पता नहीं अब फिर कब मजबूर हो जाऊँ मैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की पहली पेंटिंग। मैं स्कूल में भी आई वॉज नेवर गुड पेंटर, ऐसा कोई पेंटिंग में नहीं करने में आई वॉज नेवर वेरी गुड। मोनालिसा के बाद इसी की तारीफ होती है बहुत बढ़िया। एक्चुअली लोगों ने शेयर किया है पिक्चर्स इनका। नहीं नहीं बहुत प्यार दिया बिकॉज ये देखिए आपको बता रहा हूँ, ये जो पेंटिंग है ना आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाती है, क्या ये क्या है, तो अब उसको डेफिनेशन जो भी हो उसका करना है, अच्छा है बुरा है बहुत ख़राब है जो भी है, बट इसको देख के आपको बुरा नहीं लगता है यार ये क्या है। तो जब हंसी आती है मुस्कुराहट आती है तो यार लोगों को अच्छा लगता है। सर इस फिल्म को लेके कितना कॉन्फिडेंस है आप? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब मैं बोलता हूँ बनाने से बहुत पहले स्क्रिप्ट लेवल पर भी सारे लोगों को ये लग रहा था कि नहीं यार दिस इज़ अ स्पेशल फिल्म एंड अगर इसको ठीक से बनाया गया तो ये बहुत अच्छी बन सकती है। एंड वो जो ठीक से बनाने की बात, उसमें बहुत मेहनत की है। मैं शूटिंग के कुछ दिन पहले मैंने टांग तोड़वा ली थी, वो गया था लोकेशन देखने के लिए अपना अब्बा कलकत्ता में, और वो फिर बॉम्बे आया मुझे लेके, वहाँ पे मेरा जो है सर्जरी हुई एंड इट वाज अ मेजर सर्जरी एंड डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि 4 महीने तक आप जो है घर से निकल नहीं सकते, बिस्तर से उठ नहीं सकते। बट जब मैंने देखा कि एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड, सबकी डेटे बेटे ये वो, एंड एक टारगेट था हमारा आज से 1.5 साल पहले कि नहीं भाई ये हम लाएंगे दिवाली के दिन, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं रुक गया तो ये उस टाइम पे पता नहीं कैसे हो पाएगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं सब ठीक है। हालांकि मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो है मित्र भूषण कुमार एंड अपना कार्तिक विद्या जी माधुरी जी सब ने कहा कि नहीं अनिल भाई यू आर इन लॉट ऑफ पेन एंड प्लीज़ टेक रेस्ट फिर करते हैं। बट मैंने बोला नहीं अभी सबको बहुत जोश है मुझे रुकना नहीं है एंड व्हील चेयर उठाई मैंने एंड निकल गया और मैंने आधी पिक्चर व्हील चेयर पर बनाई है। तो वो एक था कि फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाई है, बहुत मेहनत, और सिर्फ मेहनत नहीं आई थिंक बहुत मोहब्बत से फिल्म बनाई है, और सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं सारे लोगों ने इस फिल्म को बहुत प्यार दिया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, चाहे माधुरी जी हो विद्या जी हो कार्तिक हो भूषण जी हो, भूषण जी ने ये लगाना अच्छा करो ये करो, तो एवरी वन गेव लिटिल एक्स्ट्रा लव एंड नंबर्स बता रहे हैं तो प्यार है उस पिक्चर में मोहब्बत है लोगों का। पर सर ये यू नो माधुरी दीक्षित और विद्या जी को साथ में लाने का आइडिया कैसे हुआ? यार ये क्या है, जब पिक्चर लिखी गई हमारी ना तो मुझे तो अलावा विद्या जी को ऐसा लगा कि नहीं यार विद्या जी अगर दोबारा आ जाती तो इस फिल्म के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड उस वजह से एक बहुत बस भी बना कि अरे विद्या जी 17 साल के बाद पहली फिल्म में पहली भूल भुलैया में थी और अब आ रही, तो बहुत अब उसके बाद जो सेकंड जो हमारी मंजुलिका थी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था। और जब मुझे ख्याल आया कि यार माधुरी जी से बात करते हैं तो सारे लोग बहुत खुश हो गए, और मुझे इसलिए ख्याल आया कि एक बार मुझे कहीं माधुरी जी शायद किसी पार्टी वार्टी में मिल गई थी है ना, है और ऐसे कैजुअल बातें हो रही थी एंड शेड्यूल में गए भाई मैंने आपकी फिल्में देखी अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने बोला इन्होंने तारीफ कर दी है चलो इनको पकड़ते चल तो मैंने बोला ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। देन आई मेट माधुरी जी, आई कॉल्ड हर, वो फिर हम लोग मिले, मैंने उन्हें कहानी सुनाई एंड शी लव द स्टोरी, शी लव हर पार्ट कैरेक्टर, एंड उन्हें लगा कि नहीं एवरी थिंग इज़ राइट, आई मीन द प्रोड्यूसर्स द स्टार कास्ट द डायरेक्टर एंड शी टोल्ड के हाँ ठीक है चलो करते हैं। तो दैट डे वी ऑल वर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि भाई माधुरी जी भी हो गई हैं विद्या जी भी हो गई है और इस फिल्म के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट करेक्ट राइट। सर दो फिल्में थी, कंपटीशन की बातें हो रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने अच्छा किया और आप स्टार्ट से ही दोनों ही फिल्मों आप ये कह रहे थे कि दोनों ही फिल्में वर्क करेंगे, आप देखते जाइए और वैसा ही हुआ। नहीं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री कि जो भी फिल्में लगें यार वो चलें, हिफले के एक एक फिल्म से इतने पैसे जुड़े होते हैं, इतनी लोगों की मेहनत होती है, नॉट ओनली कुछ लोगों की बहुत लोगों की मेहनत होती है, बहुत लोगों के घर चलते हैं, तो मुझे तो लगता है यार फिल्में सारी चलें। एंड मैंने पहले दिन से कहा यार मेरी दुआ है कि दोनों फिल्में चलें, आई एम सो हैप्पी हर के सब अच्छा हुआ। एंड मैं तो कभी भी ये नहीं मानता हूँ कि भाई कॉम्पटिशन और ये और वो, मुझे लगता है साथ में आ रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज फ्रेंड, मेरे सारे दोस्त हैं वहाँ पर, उसके अंदर अर्जुन मेरा दोस्त है, अजय दोस्त है, अक्षय जी दोस्त है, रोहित दोस्त है, मैं क्या मतलब। तो मैंने बोला नहीं यार ये दोनों पिक्चर चलने चाहिए एंड आई थिंक एवरीवन इज हैप्पी। राइट सर।
बट वो बस भी क्रिएट हो जाता है ना उसके बाद सर की या, या, या। और एक ही शहर में नहीं, आई रिमेम्बर कमिंग जयपुर विथ यू ऑल, जयपुर में भी एक अलग ही जोश था लोगों में। जोश था, बाप रे, उस दिन जो है जिस दिन ट्रेलर लॉन्च हुआ, जितनी ऑडियंस जो है वो लोग आए थे, जो फैंस वो जितने अंदर थे उससे डबल बाहर थे। एंड दैट डे ना आई फर्स्ट टाइम फेल्ट कि नहीं यार ये लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई है और दिस फिल्म शुड डू वेल, अच्छा होगा इस फिल्म का। बट सर जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स आए, पॉजिटिव रिव्यूज आए, वहीं नेगेटिव भी आए। जी जी जी, ठीक है। कई लोगों ने बोला कि यार दो घंटे हम देख बर्बाद ही नहीं कर, बर्बाद हो गए, लास्ट 15 मिनट इज द एक्चुअल सीन्स, ये सारी चीजें आई बाहर, तो वो देखा आपने वो कमेंट्स? नहीं मैंने देखे, बट ये क्या किया जा सकता है? देखो क्या है कि दुनिया में आप सबको खुश नहीं कर सकते। वी आर जस्ट अ स्मॉल, मतलब मेकर्स, फिल्म मेकर्स, जो ऊपर वाला है वो पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सका है। आपको ये दुनिया में कई लोग मिलेंगे शिकायतें करते हुए कि क्या क्या उसने मेरे लिए, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड वी विल ट्राई कि यार अभी अगर समझो 85% लोगों को फिल्म पसंद आई है तो नेक्स्ट कोशिश होगी कि 90 को पसंद आए, 95 के बाद मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि 5 लोग होंगे ही होंगे जो आपको ये कहेंगे कहेंगे कि आप कितने बुरे हैं, आपने कितनी ख़राब पिक्चर बनाई है। आप कई मतलब मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि यार दे आर जीनियस जो बोल रहे हैं, बट क्या किया जा सकता है, दे आर ऑडियंस, उन्होंने पैसे दिए, उनको हक है। सर मोटिवेट ही करते हैं बेहतर के लिए, नेक्स्ट टाइम और बेहतर करें। मोटिवेशन अगर जहाँ से भी मिलेगा हम लोग लेंगे, वो हों क्रिटिक्स हों, अगर ऐसा लगता है कि इट इज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ज़रूर लेंगे, लेकिन यार वी कांट मेक फिल्म, आई थिंक एटलीस्ट मैं तो नहीं बनाता हूँ कि भाई चंद जो लोग हैं उनको मैं खुश रखूँ और उनके लिए फिल्म बनाऊँ, उनको बहुत अच्छी लगे, मेरी बहुत वास्ट ऑडियंस है, राइट, तो मुझे वो ध्यान देना पड़ता है। मेरी फिल्मों को खैर अभी तो फिर भी लोग थोड़ा सा माफ़ करते हैं मुझे, थोड़ा अपना रहम करते हैं मेरे पे, उनको लगता है कि नहीं यार ये हंसी मजाक की फिल्में बनाना हंसी मजाक का काम नहीं है। बट इनिशियली जैसे आई रिमेंबर जब फिल्म लगी थी मेरी न्यू एंट्री, बहुत ख़राब लोगों ने लिखा था, जब वेलकम लिखी थी तो मुझे पर्सनली लिखा था कि माई गॉड ये कौन सी पिक्चर देख के आए, ये वेलकम नहीं देख के आए, जो उन्होंने कहा था कि भाई डायरेक्टर जो है वो ऑडियंस के सर पर बैठा खड़ा हुआ है स्क्रू ड्राइवर लेके और हर सीन के बाद ऐसे स्क्रू कस रहा है, तो यह है। और आज देखिए इस तरह की फिल्म है कि लोग कहते हैं कि यह कल्ट फिल्म है, आज भी इतने साल होने के बाद इस फिल्म के अपना वो आते हैं क्या नाम, अपना मीम्स आते हैं, ये आते हैं, तो मुझे मेरे ऐसे को 2-3 दोस्त भी हैं जिन्होंने कहा कि आने दो, आई एम सॉरी यार हमने लिखा है एंड वी फेल्ट कि ऐसा ऐसा है। मैंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल आपकी अच्छी बात है आपने लिखा है, बट ईमानदारी से मुझे बताइए घर जाके बच्चे लोगों ने क्या कहा कि यही देखनी है ना फिल्म, तो वो बहुत ज़रूरी है कि यार बच्चे इंजॉय करें, जवान इंजॉय करें, बूढ़े इंजॉय करें और लोग फैमिली के साथ बैठे देखें, इट्स अ पिकनिक यार, पिकनिक होना चाहिए। Exactly, पहली भूल भुलैया 2 में भी कार्तिक आर्यन ने एक इतिहास रचा उनके एक्टिंग से, तब दूसरी आई, अब तीसरी आई, तो उसमें भी इतिहास रचा। डू यू कंसीडर कार्तिक आर्यन इज द अपकमिंग सुपरस्टार हु इज गोइंग टू रूल? नहीं नहीं, ही इज वेरी गुड यार, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती एंड अच्छा काम करता है एंड फिल्म में लगा रहता है, और क्या चाहिए आपको एज ए मेकर यार, कि एक इंसान जो है वो लगा हुआ है, अभी फिल्म रिलीज होने के बाद भी देखिए किस तरह अभी तक, और फिल्म मतलब मुझे लगता है कि प्रमोशन में कितनी मेहनत करता है, उसके अलावा काम में इतनी मेहनत करता है, तो मुझे लगता है कि जो मेहनत कर रहा है उसी का फल मिल रहा है उसे, एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर हिम यार। आपका सर 45 इयर्स का इतना एक्सपीरियंस रहा है इंडस्ट्री में, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ आपने काम किया, अगर आप कार्तिक की तारीफ करें तो डेफिनेटली कुछ तो दिखाई। हाँ बाप, 45 इयर्स मत बोलिए, लोगों को पता लगेगा अरे यार ये आदमी की बहुत एज हो रही है, इसको निकालो। ऐसा नहीं, मेरे को 2 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं इस लाइन के अंदर और मुझे और 20 साल काम करना है। सर इनिशियल डेज की अगर बात करें तो इंडस्ट्री में आने का कैसे इंटरेस्ट आया, मतलब आपको पहले से शौक था या फिर मजबूरी थी या क्या था वो जो यार मुझे शौक कभी भी नहीं था, ये मतलब इत्तेफाक था, किस्मत थी, शायद ऊपर वाला चाह रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं। और मैं तो खैर बहुत स्टार्ट जो है ना मेरा जूनियर आर्टिस्ट से हुआ था, बहुत छोटी सी जगह से, फिर मैं कुछ 2-3 पिक्चरों में छोटे मोटे रोल मिले, मुझे एक्टिंग का कभी शौक नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हाँ जहाँ से मुझे 2 पैसे मिल सकते हैं चलो मैं ये काम करूँगा। तो फिर उसके बाद एक ऐसी एज आ गई जब मैं ना छोटा रहा ना बड़ा रहा तो काम ही नहीं मिल रहा, तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब क्या करना है, देन मैं चला गया था साउंड में, तो साउंड में मैंने कुछ 1.5-1 साल काम किया, फिर मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, मैंने यार ये तो
ये जो स्पीकर है उठा के यहाँ रखो वहाँ रखो, कुछ हो ही नहीं रहा है कोई। फिर मैं चला गया था आर्ट डिपार्टमेंट में, आर्ट डिपार्टमेंट में काफ़ी काम किया मैंने। फिर मैं चला गया था एडिटिंग में, एंड उसके बाद मैं खाली मतलब मेरे आगे पीछे कोई था नहीं, एंड मैं यही सोचता था कि मुझे क्या करना है क्या। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्या नहीं करना है। मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई दोस्त नहीं, कोई पहचान वाला नहीं, इस तरह का था। एंड मेरी एज भी बहुत छोटी थी, उतनी समझ भी नहीं थी मुझे। लेकिन हाँ, मुझे ये लगने लगा था अंदर अंदर कि नहीं, ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना, इसमें मुझे मज़ा नहीं आता। देर आई जॉइंट राज कपूर साहब एज असिस्टेंट, और वहाँ पहली मरतबा मुझे फील हुआ कि यार ये काम तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड मुझे लगा नहीं, मुझे डायरेक्टर बनना है। देन फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड कि चलो डायरेक्टर बनना है, एंड इसके लिए क्या करना है। राइटिंग थोड़ी मुझे लगता था मेरे ब्लड में थी, इसलिए माई फादर वॉज अ पोएट, तो मैंने कहा कि चलो या थोड़ा लिखते हैं एक दो चार पिक्चरें, कुछ काम आ जाए, कुछ नाम हो जाए। तो पर वो फिल्में लाइन से जो लगी और वो इतनी बड़ी बड़ी हिट हुई कि वो जो मैंने सिलसिला सोचा था कि चार पांच पिक्चर तक रखूँगा, वो चलता गया 25-30 फिल्मों तक। बट मुझे बनना था डायरेक्टर। मैं राइटर जो बना हूँ वो मैं बना हूँ डायरेक्टर बनने के लिए। सर, आपने कई फिल्मों के लिए ऐसा घोस्ट राइडर भी घोस्ट राइटर भी किया है आपने, तो वो पीरियड, वो स्ट्रगल कैसा था आपको? किस नाम बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? नहीं, नाम बनाने के लिए तो हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, नाम ऐसे ही नहीं बन जाता। और नाम बनने के बाद नाम को रखने के लिए उसे डबल मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं कि जितनी मेहनत आप ऊपर जाने के लिए करते हैं, उसे डबल मेहनत करते हैं आप नीचे आने के लिए। ऐसे नहीं चले जाते, ऐसे नहीं आ जाते। तो घोस्ट राइटिंग की मैंने, एंड आई वॉज नो कम्प्लेन, आई वॉज हैप्पी बिकॉज इट वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि भाई आपका नाम नहीं आएगा, आपको ये पैसे मिलेंगे। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, उन्हें स्क्रिप्ट की ज़रूरत थी, मैंने दिया। नो कम्प्लेन, नथिंग, फर्स्ट क्लास। जो भी आज हुआ है उसकी वजह से बहुत कुछ हुआ है, इसलिए कि उन फिल्मों में जिसमें मेरे नाम नहीं है बड़ी बड़ी हिट हुई थी। मैंने जब थिएटर में जाके देखा कि हाँ भाई, इन डायलॉग्स पर जो मैंने लिखे हैं इसमें क्लास भी बचती है, इसमें आंसू भी आते हैं, इसमें लोग हंसते भी हैं, देन आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं यार, आई कैन राइट। एंड देन मुझे मौका मिला फिल्म लिखने के लिए स्वर्ग राजेश खन्ना गोविंदा जी। तो मैंने तैयारियां बहुत की थी। मैंने कहा था यार, तैयारी इतनी कर लो, फ्री जब आदमी रहता है, बेकार रहता है, तो उसमें आदमी बहुत कुछ कर सकता है, बहुत तैयारी कर, अपने ऊपर काम बहुत कर सकता है, ताकि एक बार इतना काम कर लो कि जिस दिन मौका मिले बस फिर वो छूटे नहीं। एंड देन 90 में रिलीज़ हुई थी वो फिल्म स्वर्ग, एंड उसके बाद मुझे दोबारा कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा। उसके बाद दो फिल्म, तीन फिल्म, पांच फिल्म, तक एक वक्त था जब मैं हर साल 6-7 फिल्में लिखा करता था। ओके, शोला और शबनम, बोल राधा बोल, आँखें, लाडला, राजा बाबू, पता नहीं क्या क्या, दीवाना मस्ताना, बहुत फिल्में लिखी मैंने। सर, आप अपने आर्टिस्ट को नाराज़ भी नहीं करते हैं, उनके लिए खड़े खड़े डायलॉग्स भी लिख देते हैं? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है ठीक है, हाँ ये वर्थ है और ये होना चाहिए। तो मैं देखिए, ईमानदार बताऊँ, मतलब स्क्रिप्ट के साथ ना किसी को नाराज करता हूँ, ना मैं किसी को ज़्यादा खुश करता हूँ। मैं एक जगह बहुत ईमानदार हूँ मेरी फिल्म के लिए, मैं सबसे ज़्यादा ईमानदार हूँ मेरी फिल्म के लिए। नाउ तो एवरीबडी नोज कि भाई ये तो, मुझे ऑलवेज लगता है कि यार किसी ने कुछ सजेशन दिया और बहुत अच्छा है, तो आई डोंट सी कि ये सजेशन आया किसकी तरफ से, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन दैट सजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। वो किसी एक्टर का हो सकता है, किसी टेक्नीशियन का हो सकता है, किसी छोटे से हमारे वर्कर का हो सकता है। अगर कुछ भी मुझे समझ में आता, कोई बात भी कर रहा है, मैंने कान में सुन लिया और मुझे अच्छा लगा, एंड बिकॉज आई एम अ राइटर, तो आई कैन अफोर्ड कि चलो सीन के अंदर नहीं ये काम करते, इसको ऐसा कर लेते हैं, विच इज़ वेरी मतलब एक्चुअली अ रॉन्ग प्रैक्टिस एंड वेरी रिस्की। आई मीन आई वॉन्ट टू से, अगर इफ़ यू आर नॉट ए राइटर दैन इट्स वेरी रिस्की, यू शुड नॉट डू। राइटर है, उसने लिखा है, उसको फॉलो करो। बट आई एम अ राइटर एंड देन अ डायरेक्टर, तो मुझे लगता नहीं मैं कर सकता हूँ, थोड़ा मैं कर लेता हूँ। बट सर, क्योंकि अभी 90s की यहाँ बात हो रही थी कुछ देर पहले, तो मैं पूछना चाहूँगी, गोविंदा जी को आपने वापस कन्विंस नहीं किया कि अब फिल्में और करो, फिल्में और? नहीं, सब आ चुके हैं ऑलमोस्ट। मुझे लगता है वो खुद भी करना चाहेंगे, एंड ही नो कि यार इतने अच्छे एक्टर हैं, और मुझे लगता है उनको करना भी चाहिए, और मुझे लगता है कि ही विल डू यार, जब भी आएंगे। अभी तो बीच में जो एक दो फिल्में की, कितना अच्छा उन्होंने काम किया, तो ही इज ऑलवेज अ गुड एक्टर। सर, वो राजा बाबू में वो जो नंदू का डायलॉग है, मुझे कुत्ते ने काटा, तो मैंने मुझे क्या है आपको बताओ, जो नंदू कैरेक्टर है ये हमारे प्रोड्यूसर का नाम था, अच्छा नंदू तुलानी,
जो फिल्म के प्रोड्यूसर okay. तो मैंने कहा कि यार ये नौकर का नाम मैं रखूंगा नंदू, इसलिए कि ये सबका बंधु है और ये सबको प्यार करता है, तो प्यार जिसको भी करते हैं, और नंदू से भी ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, तो सारे लोग बहुत प्यार करते थे. मैंने बोला देखो नंदू भाई आपसे सब बहुत प्यार करते हैं और आप सबके बंधु हैं, वो कहते भी थे कि नंदू सबका बंधु. तो मैंने बोला यही कैरेक्टर नाम रखूंगा शक्ति कपूर का. और मुझे दिखाना था कि शक्ति कपूर बेचारा कितना भोला कितना स्टूपिड किस्म का इंसान है. तो मैंने बोला कि अभी उसके लिए मैं टाइम भी नहीं था बहुत उसको कैरेक्टर को बताने के लिए. तो मैंने बोला एक लाइन लिखता हूँ जिसमें पता लगे कि यार क्या है. तो वो कादर खान भाई बोलते हैं उनको कि मैंने सुना कल तुमने कुत्ते को काटा. बोलते नहीं जी कुत्ते ने पहले काटा था मुझे. तो ये पता लग जाता है कि भाई ये कितना यार अजीब इंसान है. एग्जैक्टली. और सिर्फ मतलब कॉमेडी के साथ साथ आप सारे इमोशंस को भी प्रॉपर कैप्चर करते. अगर वो फिल्म देखी जाए उसमें मदर एंड जो सन का जो रिलेशन वो कितना स्ट्रांग है. वहीं पे एक औरत जो है अपने बेटे के लिए तो प्यार दिखाती है लेकिन अपने पति की इज्जत को भी उसे परवाह. तो वो इमोशंस को भी आप बहुत अच्छे से. यार मैं बेसिकली बहुत इमोशनल इंसान हूँ और मुझे कई लोग जो अच्छी तरह से जानते हैं अंदर से जानते हैं मुझे बहुत जो नज़दीक से वो कहते हैं कि अनीस भाई आप ये कॉमेडी फिल्में बना कैसे लेते हो यार. बिकॉज यू आर नॉट ये है नहीं आप. मतलब मैं आपको बताऊँ कि इमोशनल सीन लिखते वक्त भी मैं इतना रोता हूँ. एक दिन डेविड मेरे कमरे में आए तो ही वॉज स्केर्ड बिकॉज आई वॉज क्राइंग और मुझे हिचकी बन जाती ऐसे करके मैं लिख रहा था. एंड सब ठीक है क्या हुआ. मैंने बोला नहीं सब ठीक है. अरे तू रोक. मैंने बोला मैं सीन लिख रहा हूँ. तो उसने जाके दो वो बोला यार कैसा लिखता है सीन इतना रोता है या नहीं. मैंने बोला इसलिए तो मैं दरवाज़ा बंद करके अकेले में बैठता हूँ ताकि मैं लोग मैं हंसे नहीं मेरे रोने पर. बट यस आई एम अ वेरी इमोशनल मैन एंड पर्सन और मुझे ना ये रिश्तों का थोड़ा है यार ऐसा कि थोड़ा सा मैं फील करता हूँ सब. तो मेरी माँ जो है यार वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. मतलब मैं क्या बताऊँ मेरी मम्मी के लिए. तो मेरे को ये सारी चीज़ें जो है ना समझ में मेरी मम्मी की वजह से आई. मैं अपनी माँ के साथ जो है ना फिल्में बहुत देखता था. अच्छा. हाँ तो मैं उनके साथ बैठता था. मेरी मम्मी जो है ना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको जल्दी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी. तो वो बोलती थी ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया. फिर एक बार जब नया नया अपना जिमी जी पाया था तो पूरा कैमरा ऐसे घूमता रहता था. बोलती अल्लाह ने ये पूरा दुनिया घूम रहा है मेरे सर में जरूरत हो गया. तो मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये जिमी जी एक चीज़ आई है उसको सही तरीके इस्तेमाल करना चाहिए नहीं कि बार बार आप यही यूज़ कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो आम इंसान जो फिल्म देखता है और उसको कैसे फील होती है वो क्या समझता है वो समझ जो है मुझे मेरी माँ की वजह से आई. सर मैं आपकी पहली फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगी हलचल. जी, जी. जो डायरेक्टर डेब्यू थी आपकी. जी, 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 विनोद खन्ना सर जी एंड अजय देवगन एंड अमरीश पुरी जी एंड काजल. तो उस फिल्म के बारे में बताइए बिहाइंड द सीन्स कुछ स्कूप हो क्योंकि वो फिल्म तो आइकॉनिक साबित हुई थी. मुझे लगता है कि वो फिल्म इतनी बुरी नहीं थी. अगर शायद मेरे बजाय कोई और बनाया होता तो शायद उसकी उतनी बुराई नहीं होती. बट आई थिंक मैंने रियलाइज़ किया कि लोग मुझसे थोड़ी बड़ी उम्मीद रखते हैं क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी थी. अब वो फिल्म बनाने से पहले शायद 25-30 सुपरहिट फिल्में लिख चुका था मैं. तो लोगों को उम्मीद बहुत बड़ी थी मुझसे. तो मैंने वहाँ से रियलाइज़ किया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं बना पाऊँगा. बहुत ज़्यादा उम्मीदें. एंड उसके बाद फिर मैंने 3 साल के बाद एक फिल्म बनाई थी प्यार तो होना ही था. एंड दैट वाज अ ह्यूज हिट टर्निंग पॉइंट. बट हलचल कैसा था सर. हलचल में विनोद खन्ना सर गुड फिल्म बैठ के सब अच्छी दोस्ती यारी में फिल्म बनी मजे आए सब आए. बट यस वो उतनी वर्क नहीं कर सकी किसी वजह से. तो बैठना पड़ा घर पर और 3 साल जो है बैठा रहा मैं. एंड मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा भी कि यार इसीलिए तो आपको कहते थे यानी इसके लिखना अलग है और डायरेक्शन चीज़ करना अलग है. तो मैंने सब कुछ सुनी भी हंसते हुए मैं समझा भी फिर मैंने फिल्म लिखी. सर उस समय फ्लॉप होना और आज के दौर में फ्लॉप होना का फर्क है. यस जब अभी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है फ्लॉप होना भी और हिट होना भी. उस टाइम भी जब हिट भी होती थी हाँ यार पीछे चल गई हिट हो गई आंखें चल गई शोला शबनम चल गई दीवाना मस्ताना चल गई राजा बवारा वेरी गुड और बहुत अच्छा अच्छा. लेकिन अब जैसा होता है एक सेलिब्रेशन और एक मातम दोनों एक्सट्रीम बहुत एक्सट्रीम. बिकॉज क्या है कि अब ये अफेयर बहुत महंगा हो गया है. उस वक्त हम जो शूटिंग करते थे मुझे लगता है कि अगर 2-2.5 लाख रुपए तो पर डे हम शूटिंग कर भी लेते थे आराम से. आज शूटिंग करना पहले हम लोग थोड़ा रिशूट भी कर लेते कि यार चलो 1-4 दिन रिशूटिंग कर लेते क्या फ़र्क पड़ता है. अच्छा तो हाँ पैसे ज़्यादा नहीं है अरे 5 लाख में कर लेंगे तो 5 लाख में 5 दिन कर लिया हमने ऐसा होता था. बट नाउ तो वी कांट अफोर्ड टू रीशूट मोर. जहाँ ज़रूरी है बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत सोच के बहुत समझ के इसलिए बहुत महंगा हो गया है सारी चीज़ें.
और पहले सक्सेस पार्टी भी मतलब 100 डेज जब कंप्लीट हो जाती थी, क्योंकि उस जमाने में 100 डेज सिल्वर जुबली ये लव सुने जाते थे, बिकॉज उस तरह के बिजनेस होते थे, उस तरह के थिएटर्स कम थे और वो माउथ पब्लिसिटी से ही फिल्में चलती थी और वो प्रमोशन भी उस लेवल का नहीं था एंड बहुत पता लगा 100 वीक्स चलने के बाद जो पैसे आते थे शायद आज वो 2 वीक में 1 वीक में आ जाते हों, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फ़र्क है वक्त का। एंड मुझे लगता है कि वक्त के साथ हर चीज़ बदलती है और बदलनी चाहिए, और अच्छाई के लिए बदली है तो आपको उसको गले लगाना चाहिए। बट साउथ सिनेमा का कितना बड़ा इफेक्ट रहा है सर, क्योंकि आपकी फिल्मों में कहीं ना कहीं हमने उतने साउथ एक्टर्स नहीं देखे, बट मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द फिल्म जो आ रही है उसमें साउथ एक्टर्स ज़रूर हैं। यार देखो, मैंने तो अपनी जिंदगी की शुरुआत में ही बहुत सारी फिल्में वहाँ जाके लिखी। हाँ। मेरे बहुत दोस्त है साउथ में। मैंने लिखी थी प्रतिबंध, बहुत बड़ी हिट हुई थी चिरंजीवी की। मैंने लिखी अपने आज का गुंडा रहा, तो मैं तो वहाँ सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स को जानता हूँ, मेरे सब दोस्त रहे हैं। मेरा ये होता था कि 15 दिन मैं हैदराबाद में रहा करता था, 15 दिन यहाँ कर रहा करता था, ऐसा वक्त था। एंड वहाँ भी बहुत अच्छी फिल्में बनती है, यहाँ भी अच्छी फिल्में बनती है, वहाँ भी कुछ बहुत बुरी फिल्में बनती हैं जैसे यहाँ बनती है। तो हम जो है कुछ अच्छी फिल्मों की ही बात करते हैं वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ की अच्छी फिल्मों की वहाँ बात करते हैं। हमारी बहुत सारी फिल्में उन्होंने रीमेक्स की है, उनकी काफ़ी सारी फिल्में हमने रीमेक की है, तो मुझे कभी भी बिल्कुल अलग अलग नहीं लगा। एंड मुझे लगता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें वो साउथ, नॉर्थ और वो मलयालम, वो सब नाम दिए हमने, लेकिन ऐसा अगर मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे इसमें कुछ साउथ एक्ट्रेस चाहिए तो आई डेफिनेटली, मैंने कभी अपने आप को रुका नहीं है। मुझे फिल्म अच्छी बनाने और खूबसूरत चलाने में जो चीज़ की ज़रूरत होगी आई विल अप्रोच देम विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। सर जिस हिसाब से फिल्मों इतने मेगा बजट होने लगे हैं, आपकी भी फिल्म है जो अभी रिलीज हुई सिंगम, वो भी इतनी मेगा बजट, आपको लगता है जब ऐसी फिल्में वर्क नहीं करती तो इंडस्ट्री पे इतना बुरा असर पड़ता है, और जिसमें जो लोगों का भरोसा है कहीं ना कहीं डगमगाता है? नहीं यार, भरोसा तो नहीं डगमगाता, उनको पता है कि फिल्म अगर लोगों को दिल को छुएगी और पसंद आएगी तो लोगों की फिल्में चलेंगी। जहाँ तक आप मेगा बजट और बड़े बजट की बात कर रहे हैं, अगर बहुत छोटी फिल्म आप बनाते हैं ना तो भी, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है बिकॉज ऑफ दी वेब सीरीज एंड OTT प्लेटफॉर्म, तो हर चीज़ आप देख ही रहे हो, हर चीज़ आप देख रहे हो, आप सारे दुनिया के सब्जेक्ट्स देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो, दैट ग्रैंडियर, दैट कम्युनिटी व्यूइंग, कि भाई आप सारे लोगों के बीच बैठे हैं और वो एक बहुत बड़ा स्क्रीन है जिसमें एक जादू जैसा, वही चीज़ मिस कर रहे हैं। अगर हम कितना भी अच्छा सब्जेक्ट कुछ भी बनाए, अगर बहुत छोटे लेवल पर ऐसा बनाते हैं तो देख ही रहे हैं लोग अपना, तो हमारी मतलब ये नहीं कि कोई खुशियाँ आएँ, हमारी मजबूरियाँ आएँ कि नहीं बनानी है इस तरह की, और थोड़ी सी लेविश फिल्में बने ताकि लोग थिएटर में आएँ। क्योंकि सर ये डिबेट होती है कि ये बड़ी इन बड़ी फिल्मों की वजह से इंडस्ट्री की हेल्थ बिगड़ती है, और छोटी फिल्में जो अच्छा वर्क कर सकती है, जो 15-20 करोड़ में बन के 100 करोड़ तक कमा सकती है, उन फिल्मों को स्कोप नहीं मिल पाता। नहीं ऐसा कुछ नहीं, देखिए जो आदमी जो भी फिल्म होती है वो अपनी जगह खुद बनाती है। आप ये देखिए कि अभी जैसे विनोद चोपड़ा जी ने एक फिल्म बनाई 12 फेल, वो कितनी लोगों ने पसंद की, आपकी लापता लेडीज कितना लोगों ने पसंद किया। अच्छी चीज़ को मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप अपनी जगह बनाती है, अपना वजूद बनाती है। एंड इस तरह की फिल्में बनना भी बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कुछ चुनिंदा बड़ी फिल्में बनना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक जैसी ही सब चीज़ें बनेंगी तो उसका अट्रैक्शन नहीं है। कुछ इस तरह की बने, कुछ उस तरह की बने, कुछ हॉरर कॉमेडी बने, कुछ एक्शन बने, कुछ रोमांस बने, आई थिंक सारी चीज़ें बनानी चाहिए सबको, एंड बननी चाहिए। ऑडियंस को अलग अलग चीज़ें चाहिए देखने के लिए, एंड दे शुड एंजॉय कि हाँ भाई चलो ये अलग बात है, अलग चीज़ है। बिल्कुल सही सर। बट सर कहीं ना कहीं लापता लेडीज़ के लिए, क्योंकि आपने अभी बात की इसलिए मैं कहना चाहूँगी, थिएटर में पब्लिक नहीं गई थी देखने। अवेयरनेस, ओनली अवेयरनेस। मुझे लगता है कि आप देखिए, अगर लोगों ने जब OTT पे देखा और इतनी तारीफ की, तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि क्या अवेयरनेस इतनी थी कि लोग अपने घरों से निकल के थिएटर में जाए। अभी आजकल ये इजी अफेयर रहा नहीं है कि आप एक तो जो ट्रैफिक है ना, आपको लगता है घर के अंदर कि यार मुझे वहाँ जाना है, मुझे क्या बहुत ज़रूरी है तो जाना है, तो आप अपनी गाड़ी निकालेंगे या रिक्शा लेंगे या टैक्सी लेंगे, आप
पहुंचेंगे थिएटर में, वहां टिकट लेंगे, फिर अंदर जाएंगे, इतनी महंगी टिकटें, इतने महंगे पॉपकॉर्न, ये वो, तो इट इज अ ह्यूज मतलब एफर्ट। तो वो एफर्ट निकाल के आदमी क्या सोचता है, क्योंकि वो ना न्यूज़ के साथ ये यार ये आएंगे टीवी पे देख लेंगे, तो वो शायद फीलिंग होती राइट। आप एक बार देखने के बाद वो लोग तो यार ये क्या फिल्म है। अभी बीच में कुछ फिल्में लगी जो बहुत पुरानी फिल्में थी वो चली, तो अब पिक्चर अच्छी होती है तो चलती है यार, चाहे टीवी पे चले प्लेटफॉर्म पे चले। आज अगर मैं ऐसे कंप्लेन करने लगूँ कि यार देखो अभी नो एंट्री जो है और वेलकम और सिंग इज किंग, ये लोग आज भी देख ही रहे हैं, लेकिन हमको उसका रेवेन्यू जो है इस तरह से तो नहीं मिला है जो थिएटर में मिल रहा है। लेकिन हाँ, उसकी शेल्फ लाइफ होने से एक फ़ायदा ज़रूर होता है, जो एक्टर्स हैं उनको लोगों का बहुत प्यार मिलता है, क्या काम किया है इन्होंने, जो टेक्नीशियंस हैं उनका बहुत काम अप्रिशिएट किया जाता है, और आप अपने कहीं ना कहीं ऑडियंस जो देख रही है उनके दिल में अपने लिए जगह बनाते हैं, उनको खुशी देते हैं, मुझे लगता है वही बहुत कुछ है। राइट सर, आपने अभी जो फिल्मों के नाम लिए अगर उसमें देखा जाए तो हमें कहीं भी किसी तरह के डबल मीनिंग ये वाले इस तरह की चीज़ें नहीं दिखती आपकी फिल्मों में, तो बस क्योंकि आजकल ऐसी कॉमेडीज का मैंने आपको बताया मेरे डू और डोंट बहुत है। नहीं तो मैंने बिगनिंग से अपने आप से वादा किया था कि नहीं यार मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट्स की अब मुझे वो काम नहीं करने हैं जो चीज़ से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है कि यार मैं अपने घर वालों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ फिल्म देखने में शर्माऊँ या मुझे कुछ ऑकवर्ड लगे। तो मेरा अपना चॉइस था ये, एंड मुझे लगा कि मैं इन शॉर्टकट्स के अलावा भी अच्छी फिल्म बना सकता हूँ बिकॉज आई एम अ राइटर ऑल्सो। बट सर, जैसे कि आपने बोला कि पहले ना लोगों को मनाना बहुत पड़ता था एक्टर्स को, ठीक है अब भी मनाना पड़ता है? नहीं देखो, सब एक्टर को नहीं, कुछ एक्टर जैसे खान साहब, आई थिंक ही वॉज नॉट वेल दैट टाइम, वरना मुझे टचवुड मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ कि मुझे नहीं मनाना पड़ा है एक्टर्स को, बिकॉज मैं ये बिलीव करता हूँ कि इफ़ यू हैव रिटन समथिंग वेरी गुड, इफ़ योर स्क्रिप्ट इज पावरफुल, इफ़ देयर कैरेक्टर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाइस, देन एक्टर्स को समझ में आता है कि भाई जब आप सुनाते हैं आपको किसी को कुछ इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबॉडी हैव देयर पूरा समझ है उनको, वो एक मिनट में उनको पता लग जाएगा ये झूठ बोल रहा है, ये बनावट है, ये नकली है। बट आप जब जेन्यूनली अगर एक स्क्रिप्ट पे आप 6 महीना 9 महीना 8 महीना 1 साल 2 साल काम करते हैं और जब जाके सुनाते हैं आप, तो उन्हें पता लगता है कि नहीं यार ये क्या सुन रहे हो, मैं अच्छा है, मेरा कैरेक्टर भी अच्छा है। तो नहीं, मुझे मनाना ज़्यादा कभी नहीं पड़ा, कुछ एक कैरेक्टर्स को मनाना पड़ा, इसलिए कि अभी जैसे खान साहब हैं, यार खान साहब काम ही नहीं करना चाहते थे उस वक्त, तो वो अलग बात है। और फिर क्या है, उनकी वो एज थी और मैं बिल्कुल बच्चे की तरह उनके साथ बिहेव कर सकता था, उनके साथ मैं ज़िद कर सकता था, उन्हें मैं रूट सकता था क्योंकि मैं उन्हें बहुत पसंद करता था। तो उन्हें ये पता है कि यार अनीस मुझे बहुत लाइक करता है, और अब जब आपको किसी को पता लग जाए ना कि कोई इंसान आपको बहुत लाइक करता है तो बड़ा मुश्किल होता है उसे अनलाइक करना कि नहीं मुझे नहीं पसंद, तो वो एक था। तो खान साहब जो है वो उनको मनाना पड़ा था, बाकी तो यार टच हुआ आई एम लकी यार उतना नहीं मनाना पड़ा, लोगों को सुनाया है उनको अच्छा लगा है। आई थिंक यू आर ऑल्सो नोन फॉर दी फ्रेंडशिप बॉन्ड जो सबके साथ आप बहुत पक्की अगर करते हैं तो लास्ट तक निभाते हैं ये चीज़ें। नाना पाटेकर के साथ आपकी जो दोस्ती है उसकी भी काफ़ी चर्चा है कि आपने हमेशा उनका साथ दिया, हर जगह उनका साथ दिया है, तो वो बॉन्ड को कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं? मी टू के टाइम पे जो उनका टफ पीरियड था आप उस वक्त भी उनके साथ खड़े रहे। देखो क्या है, बताओ मेरी जिनसे दोस्तियाँ होती है ना वो दोस्तियाँ हैं, और मैं तो यार जिनको प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, करता हूँ, अब वो क्या है डिटेल वो सब अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें, बट यस यार आई लव देम, जिन जिन के साथ काम किया है, जिनसे दोस्तियां हैं वो दोस्तियां हैं मेरी। सर फिल्म जो भूल भुलैया है कई गल्फ कंट्रीज में इसको रिलीज भी नहीं होने दिया था, लगता है सर फिल्म को इस पे जो और कलेक्शन था और बढ़ सकता था, और क्या उनका जो था वो सही था? यार देखो मुझे लगता है जो होता है ना वो अच्छा होता है, कुछ हुआ होगा ठीक है, क्या कर सकते हैं, अभी पूरी दुनिया में लगी है, एक आधी जगह नहीं लगी है, हर जगह फिल्म चल रही है, वी आर ऑल हैप्पी। बट हर कंट्री का अपने रूल रेगुलेशन होता है, उसको आपको फॉलो करना है, अगर नहीं फॉलो होता है तो नो कंप्लेंट है, ठीक है। राइट सर, कई जगह सर यू नो बैड माउथिंग भी हो रही थी कि यार सिंघम भी आ रही है, ये भी आ रही है, कई लोगों ने बोला कि यार बस मेरी फिल्म चल जाए, सिंघम चले सिंघम चले, जहाँ पे आप हर जगह हर मैं देख रही थी इंटरव्यूज में आपने भूल भुलैया के साथ साथ सिंघम के लिए भी प्रेस किया है। संगम में सारे जुड़े हुए लोग मेरे दोस्त हैं,
अच्छी फिल्म होगी, बड़ी फिल्म है, तो मुझे लगा कि दोनों फिल्में चलनी चाहिए और उसके अंदर भी फिल्म फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो अच्छा है वो होना चाहिए यार। ये बात भी सही है सर। सर अपकमिंग में हम आपके और कौन सी फिल्में देखने वाले हैं? यार मैं 3-4 पिक्चरें सोच के बैठा हूँ अभी। एक बार ये जरा हफ्ता 10 दिन ये जरा थोड़ी खुशियों का सिलसिला चल रहा है, इसके बाद मैं बैठूंगा अपनी टीम के साथ, सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जल्दी ही फैसला करेंगे। नो एंट्री की भी बात चल रही है मेरी, एक और फिल्म की भी बात चल रही है, तो उसके स्क्रिप्ट पे भी थोड़ा सा सोचेंगे। फैमिली के साथ कब टाइम स्पेंड करें, वैकेशन जाते हैं या नहीं जाते? नहीं नहीं चले जाता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है, बीच बीच चले जाता हूँ और वो चलता है अभी। उनको भी पता है कि हाँ भाई ये जो है यार, लेकिन उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन जितना वक्त मैं उनके साथ हूँ वहीं हूँ मैं और कहीं और नहीं हूँ फिर। बट यस, उतना जितना मुझे जाना चाहिए, जितना वक्त देना चाहिए, वो मैं नहीं दे पाता हूँ। बट जब भूलभुलैया टीम के साथ सक्सेस पार्टी हुई या अभी होने वाली है, तो क्या डिस्कशन होगा कि चार हम कैसे बना रहे हैं और कब बना रहे हैं? नहीं, वो डिस्कशन करेंगे हमारे अभूषण जी और मुझे लगता है वो भी जो है अभी एक महीना पूरा देखते रहेंगे, हाँ चलो यार अभी आराम से करते हैं। आई थिंक वी आर नॉट इन हरी यार, क्या नई फिल्म बनानी है बनानी है, वी हैव टू थिंक सम नाइस थॉट कि अच्छा क्या बनाएंगे हम, अगर वैसा कुछ होगा तो ज़रूर। ठीक है सर, व्हाट्स योर स्टेटस ऑन नो एंट्री 2? नो एंट्री जो है वो वी हैव मतलब प्लान कि हम फेब मार्च में स्टार्ट करेंगे, ऐसा फिलहाल चल रहा है। एक्टर्स को अभी हम लोग अप्रोच करेंगे, देखेंगे कौन क्या चाहिए एंड इंशाल्लाह सब सही हुआ तो वील स्टार्ट बाई फेब मार्च। काफ़ी न्यूज़ भी आ रही है कि दिलजीत दोसांझ हैं, वरुण धवन हैं, अर्जुन हैं, ये तीनों तो ही हैं, बाकी चुनना है, सब चुनना है लोगों को, 9 लड़कियाँ हैं तो है थोड़ा काम है बचा हुआ। वेलकम पे चलते सर सबसे बेस्ट और सबसे मतलब उसके हर जो किरदार है मतलब टांग टूट गई मेरे साथ ऐसा हुआ वो मैं हमने सुना सर सेट पे खड़े खड़े उनके लिए लिख दिया था सर मुश्ताक खान नहीं, और मेरे 7-8 दिन जो है ना कुछ था नहीं ऐसा, लेकिन क्या ये सब बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, मुश्ताक भाई, आदि ईरानी और स्नेहल धाबी एंड हैरी, ये सारे लोग मेरे प्यार और मोहब्बत में आ गए थे। मैंने उनसे कहा था फर्स्ट डे कि सर रोल तो कुछ नहीं है, नाना जी अनिल जी हैं उनके पीछे खड़े हैं, लेकिन यार देखते कुछ बनाऊंगा मैं, एंड उसी विश्वास पे आ गए थे। तो 7-8 दिन तो कुछ बन नहीं पाया, तो एक दिन जो है मस्ती कर रहे थे हमारे साथ अपना, मुश्ताक भाई बोले कि अच्छा अच्छा अनिल भाई आपने कुछ बताया नहीं मुझे, लेकिन मुझे मेरा कैरेक्टर मालूम पड़ गया। मैंने बोला है आपको क्या मालूम पड़ा, सर आपने बताया नहीं लेकिन मुझे पता लग गया कि मैं फिल्म में गूंगा हूँ, पीछे खड़े रहता हूँ। तो मुझे लगा क्या करें यार, मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने बोला नहीं यार मुझे भाई मैं कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो मैं करना भी चाह रहा था उनके लिए। तो फिर मैं उस रात को अपने आप को मैंने बिठाया राइटर को, क्योंकि वो क्या है ज़रा राइटिंग का काम जो है ना बड़ा मुश्किल काम होता है, आदमी हर राइटर जो होता है ना थोड़ा काहिल होता है, थोड़ा लेजी होता है, मैं कल कर लूँगा। तो उस रात को मैंने बोला नहीं आज बैठना है, मैं बैठ के स्क्रिप्ट पे बैठा। मैंने बोला यार इन चारों लोगों का कुछ ना कुछ मुझे अच्छा करना है, और मैं सोचने शुरू किया और करते करते फिर वो सब उसकी लकड़ी आई और वो लंगड़े वाला पूरा मामला आया, कैरेक्टर मैंने बनाया पता है वो ऐसे खड़े हुए, लेकिन क्यों हुआ है वो नहीं था। ओके तो वो मैंने लिखा, उसके बाद मैंने अदी ईरानी का लिखा, फिर मैंने स्नेहल धाबी का लिखा, फिर मैंने हैरी का लिखा, वो चारों कैरेक्टर का लिखा। एंड रात को जब 5:30-6 बजे मैं सोया, इसलिए 7 बजे शूटिंग थी मेरी, तो मैंने बोला नहीं अब एक आधे घंटे के लिए मैं सो जाता हूँ, आधे घंटे 1.5 घंटे के लिए सोया, उठा तैयार हुआ था, एंड दैट डे आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो। तो सेट पे वो चारों थे, मैंने बोला कि मैं आ जाऊँ, मैंने तभी बताया नहीं उनको कुछ भी। तो उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हुई, तो मैंने बोला आप ऐसा बोलो, तो मुश्ताक अरे ये इतना लंबा मतलब अरे फिर इसको इसको, एंड देन जो है वो काम शुरू हुआ एंड चारों को बहुत अच्छा लगा और चारों के रोल की बहुत तारीफ हुई, नॉट ओनली अनिल जी एंड नाना जी और बाकी सारे जो मेन कैरेक्टर्स थे, आई मीन इनकी भी इतनी तारीफ हुई, तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ। बट जब एक डायरेक्टर लिख रहा होता है
तो वो सारे कैरेक्टर्स अपने दिमाग पर लिख कर सोच कर लिखते हैं कि इनको ही लेना है, इनके लिए ही लिखना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. जब राइटर लिखता है तो समटाइम उसके दिमाग में होता है कि इस कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर ये इंसान है. कई बार तो नहीं पता होता है कि भाई किसको लेंगे, या ना लिख रहे होते हैं. एक बार ये एक रूल्स रेगुलेशन नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए. समटाइम पहले सोचते हैं, समटाइम हम बाद में सोचते हैं, लेकिन जो भी है उस कैरेक्टर के मुताबिक अगर एक्टर मिल जाए उसको इंसाफ करने वाला, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाता है. और कई बार ना हम लास्ट में सुनते हैं कि रिप्लेस हो गया है वो फिर उस टाइम पे कैसे ये सिचुएशन को सॉल्व करते हैं? रिप्लेस वो दो तीन सूरतों में होते हैं कि भाई ट्यूनिंग नहीं जमती, डेट की प्रॉब्लम होती है, मनी की प्रॉब्लम होती है, यही सब सुनते आया हूँ मैं. लेकिन वो होते हैं तो मजबूरियाँ हैं, कॉम्प्रोमाइजेज हैं, और मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज इज़ द सेकेंड अदर नेम ऑफ फिल्म मेकिंग. ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिल्म मेकिंग में आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको छोटे मोटे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने पड़े. अननोइंगली नोइंगली कभी 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 कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है आपको पता ही नहीं लगता राइट कि भाई क्या कॉम्प्रोमाइज. अभी मैं एक सीन कर रहा था, उसके अंदर कहीं साड़ी बहुत दूर से कहीं से मंगाई थी, उसका कोई डुप्लीकेट साड़ी नहीं था या अपने इसमें अपने हमारी तृप्ति डिमरी का, हाँ तो पहनी हुई थी. और उसके बाद तीन चार सीन बचे हुए थे मेरे, और मुझे एक सीन करना था जिसके अंदर पेंटिंग के ऊपर वो कलर गिरता है, तो वो कलर जो गिरा उसका पूरा कलर इसके साड़ी पे आ गया. अब असिस्टेंट को मैंने शायद एक दो मतलब बोला था ठीक से फेंकना, ठीक से फेंकना, तो उसने भी ठीक से फेंकने के लिए यार इसमें वजन नहीं गलत हो नहीं है, उसने ज़्यादा कलर भर दिया और जो फेंका. अब ये हमने ज़िंदगी में मैंने क्या किसी ने भी नहीं सोचा था कि यार इस तरह का कुछ होगा. अरे वो पूरी साड़ी जो है ख़राब हो गई, अब वो साफ़ नहीं हो पा रही है. अब उसके बाद दो सीन बचे हैं, वही कंटिन्यूटी की साड़ी चाहिए. तो अगर वो नहीं होते हैं तो हमको चार सीन रिशूट करने पड़ते हैं, हमारी तीन दिन की शूटिंग, बहुत तकलीफ होती. देन यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन एंड आपको उसके शॉर्टकट्स निकालने पड़ते हैं एज ए डायरेक्टर सेट पे. और उस शॉर्टकट्स को निकालने के लिए डोंट हैव टाइम, उसी वक्त आपको फैसला करना है. तो आपको बहुत छोटे वक्त में, बहुत कम वक्त में बहुत बड़े फैसले बहुत सही तरीके से करने का जो नाम होता है वो है डायरेक्टर, जो करता है साइन ऑफ करने पड़ते हैं. सर कैसे मैनेज किया वो पूरा बताइए. कुछ धर्म की हमने. बट सर तृप्ति डिमरी क्यों, कैसे आई वो आपके आप लोगों के लिस्ट में एज अ कैरेक्टर? यार मैं आपको बताऊं कि अभी मैं ये चाह रहा था कि उसके साथ अपने कार्तिक के साथ कोई नई जिन्होंने साथ में काम नहीं किया. ओके. तो जहन में तो और भी लड़कियां आती हैं और सब अच्छी हैं, मुझे लगा हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार एक थोड़ा फ्रेश पेयर होगा तो ज़्यादा अच्छा है. एंड फिर जहन में आया कि वाई नॉट तृप्ति, तृप्ति इज़ वेरी गुड एंड आई फील शी इज़ अ गुड एक्टर. उसके पहले कई फिल्में उसके अच्छा काम जी, किया जी, उसने. एंड मेहनती लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है एंड अच्छा काम किया उसने, अच्छी दिखती है, नेशन क्रश है, सब है, सब तो एवरी थिंग वॉज ठीक था. हाँ चलो इसको लेते हैं. सर एक चीज़ समझना चाहूँगा सर, 90s जो 80s का जो दौर था उस समय जो सुपरस्टार जिन्होंने आपने जिनके साथ काम किया और आज के सुपरस्टार्स में अगर हम कोई बुनियाद फ़र्क देखें तो किस तरह का फ़र्क देखने मिलता है? नहीं यार उसमें भी मेहनत पहले करनी पड़ती थी, अभी भी मेहनत करते हैं. उस वक्त भी स्टारडम बहुत था, आज भी स्टारडम बहुत है. एंड उस वक्त भी देवर क्वाइट इम्पोर्टेंट, आज भी मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा लंबा छोड़ा फ़र्क आया है. और 80s 90s की मुझे याद ही नहीं है कौन सी बातें आप पूछ रहे हैं, कौन से सालों की पूछ रहे हैं, क्या है 80s 90s. क्योंकि आपने मुझसे बात की जब 2020 की बात की. सर इज़ वेरी यंग. नहीं नहीं यार ये मस्ती कर रहा हूँ मैं. बट हमने सुना है काफ़ी कि मतलब मेरी पुराने एक्टर से भी जब बात होती थी कि पहले के एक्टर्स टाइम पे नहीं आते थे, टाइम पे नहीं आते थे, अब टाइम हो गया, पंक्चुअल हो गए सारे. बहुत मैंने आपको जिस तरह कहा कि महंगी फिल्में बनने लगी है एंड बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन तो आया है जी जी, बहुत प्रोफेशनलिज्म आया है, तो वो ज़रूर एक अच्छी चीज़ हुई है. और पहले वो स्क्रिप्ट नहीं होती थी, हम सेट पे लिख देते थे. अब एक माइंड स्क्रिप्ट होती है, एक प्लान होता है, एवरीबॉडी नोज एवरीथिंग कि क्या हम करने जा रहे हैं. वरना उसके पहले मुझे लगता है दो ही इंसानों के दिमाग में होती थी चीज़ें, एक अपना राइटर एक डायरेक्टर. अच्छा मैं ऐसे कुछ करना है ऐसा, जैसे सीन आपस में हम बात करें, किसी को पता ही नहीं, सब आगे 150 लोग बैठे हुए, सर क्या करना है? अच्छा ठीक है, यही होता था. सर आपके सेट पर अभी भी गुंजाइश है तुरंत रीएडिट, अगर कुछ गलत लग रहा है तो हटाओ, कुछ नया लेकर आए? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. मैं तो आपको बताया कि मैं कितना इम्प्रोवाइज करता हूँ,
बहुत ज़्यादा प्रोवाइज करता हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है कि अच्छा ये है, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो जो लिखा हुआ है वो तो अपनी जगह है, उसको बहुत मोहब्बत है, प्यार है, उसका सम्मान है, अपनी जगह है, उसको हमको फॉलो भी करना है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ आ रही है। तो भूलभुलैया के लिए भी आपने दो दो क्लाइमेक्स सोच रखा है? दो क्लाइमेक्स तो हमारी मजबूरी थी यार, मैं चाहता था कि किसी को पता ही नहीं लगे कि व्हाट इज द एक्चुअल क्लाइमेक्स, तो उनको कंफ्यूज भी करने के लिए कभी ये शॉट ले रहे हैं, कभी वो ले रहे हैं, कभी ये ले रहे हैं, झूठ भी बोलना पड़ा यार इस फिल्म में सारे एक्टर को, ये मंजुली का ये है, ये मंजुली का ये है, तो किसी को बोला कि ये माधुरी जी है, किसी को बोला ये तब्बू जी, बोलना नहीं किसी को, अब ये देखो आपसे दोस्ती है तो हर आदमी को अच्छा 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 ये कौन है, फिर कुछ लोगों ने बोला ये तब्बू जी, कई लोगों हमने बोला ये ग्यारह है। अच्छा, हाँ तो ऐसे सब चल रहा था और उसमें मस्तियाँ भी बहुत हुई है, और जिनको नहीं बताया तो वो कभी कभी बीच में आता था, सर मुझे पता लग गया। अरे क्या पता लगा? मुझे पता लगा ये कौन है, क्या ये अक्षय कुमार जी है। तो मैंने बोला ये कैसे सोचा, तुम्हें खाली देखता, बड़ा बोलना नहीं किसी को। तो ऐसी मस्तियाँ कर रहे थे यार हम लोग, बट उस बात को छुपाना था हमें, हमें चाहते थे कि इस बात को राज रखें ताकि ऑडियंस को मजा आए। बट आपके हिसाब से सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सीन कौन सा था शूट करने के? क्लाइमेक्स, बिकॉज उसमें बहुत सारे एक्टर थे, बहुत ज़्यादा एक्शन था, बहुत ज़्यादा ड्रामा था, बहुत आग थी, धुआं था, धूल थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, लंबा बहुत था, 20-25 मिनट चलता है, तो इट वॉज डिफिकल्ट। Thank you so much for talking to me, giving so much of insight. It was lovely talking to you. Thank you so much. आपसे बातें करने मिला, मतलब हमारी बचपन की फिल्मों में कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं भी बच्चा, मतलब मैं भी तभी बच्चा ही था, मैं कहाँ पता हूँ। आप कितना भी मुझे बोले मैं यही बोलूँगा।